नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे भारतीय सिनेमा जगत के सुप्रसिद्ध गायक शब्बीर कुमार साहब और मेरे साथी हो जीवन साथी अपने अभिनय और अदाकारी से सभी का दिल जीत लेने वाले सुप्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र साहब का। जी हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रसिद्ध गायक शब्बीर कुमार साहब और सुप्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र साहब के शानदार जोड़ी की, शानदार गीतों की। इनकी जोड़ी ने 80 और 90 के दशक में एक से एक हिट गीत दिए हैं जिन्हें हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। तो आज हम लोग शब्बीर कुमार साहब और धर्मेंद्र साहब के शानदार गीतों के बारे में बात करने वाले हैं। तुझे देखे बिना दिल नहीं माने, तुझे देखने के ढूंढ में बहाने। वैसे देखा जाए तो इनकी जोड़ी ने पहली बार सन 1982 में आई फिल्म मैं इंतकाम लूंगा, और इस फिल्म में गीत था, गीत के बोल हैं इस सपनों की शहजादी की, जिसे बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज में शब्बीर कुमार साहब ने ये गीत धर्मेंद्र साहब के लिए गाए थे। और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिए थे और इस गीत का लिरिक्स आनंद बख्शी साहब ने दिए थे। तो आइए फिल्म मैं इंतकाम लूंगा का ये गीत शब्बीर कुमार साहब की आवाज में सुनते हैं। अरे ये कैसा दस्तूर है, पर मुझको सब मंजूर है। और इस फिल्म के बाद सन 1982 में ही आई फिल्म बगावत, और इस फिल्म में गीत था, गीत के बोल हैं बंजारे हम बंजारे, जिसे बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज में शब्बीर कुमार साहब ने धर्मेंद्र साहब के गाए थे। और इस फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने ही दिए थे और इस गीत को आनंद बख्शी साहब ने ही लिखे थे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, शब्बीर कुमार साहब ने ज़्यादातर धर्मेंद्र जी के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत में ही अपनी आवाज़ दिए थे। और इस फिल्म के बाद सन 1984 में आई फिल्म बाजी, इस फिल्म में गीत था, गीत के बोल हैं मेरे साथी जीवन साथी, जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में शब्बीर कुमार साहब और लता मंगेशकर जी ने गाई थी, और ये गीत सुपर डुपर हिट हुई। वैसे तो इस फिल्म में शब्बीर कुमार साहब ने धर्मेंद्र जी के लिए दो गीत गाए थे और दोनों गीत सुपर डुपर हिट हुए थे, खास करके मेरे साथी जीवन साथी। ये गीत आज भी बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है, और इस फिल्म का म्यूज़िक भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने ही दिए थे और इस गीत को आनंद बख्शी साहब ने ही लिखे थे। तो आइए फिल्म बाजी का ये बहुत ही खूबसूरत गीत सुनते हैं शब्बीर कुमार साहब के दिलकश आवाज में। इस फिल्म के बाद सन 1987 में आई फिल्म सुपरमैन और 1987 में ही आई फिल्म मर्द की जुबान। जी हाँ, इस फिल्म में गीत थकित के बोल हैं गगन झूमे कदम चूमे, जिसे बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में शब्बीर कुमार साहब ने धर्मेंद्र साहब के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के ही संगीत में अपनी आवाज़ दिए थे, और इस गीत को लिखे थे SH बिहारी जी ने। और इस फिल्म के बाद सन 1987 में ही आई फिल्म लोहा। जी हाँ, बात करें शब्बीर कुमार साहब और धर्मेंद्र साहब जी की, तो फिल्म लोहा के गीत को कैसे भूल सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। इस फिल्म में गीत था, गीत के बोल हैं तेरी हस्ती है क्या जो मिटाएगा। ये गीत आज भी बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है, और इस फिल्म का संगीत भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने ही दिए थे और इस गीत को फारूक कैसर जी ने लिखे थे। इस फिल्म के बाद सन 1987 में ही आई फिल्म इंसाफ कौन करेगा, और इस फिल्म में गीत था, गीत के बोल हैं तुझे देखे बिना दिल नहीं माने। जी हाँ, ये गीत काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे, और ये गीत मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और आप लोगों को भी ये गीत जो है वो ज़रूर पसंद आएगा। और इस फिल्म का संगीत भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने ही दिए थे और लिरिक्स समीर साहब ने दिए थे। तो आइए फिल्म इंसाफ कौन करेगा का ये बहुत ही खूबसूरत गीत शब्बीर कुमार साहब की आवाज़ में सुनते हैं। तुझे देखे बिना दिल नहीं माने, तुझे देखने के ढूंढ में बहाने। बात करें शब्बीर कुमार साहब और धर्मेंद्र साहब की जोड़ी की, तो सन 1987 की फिल्म जान हथेली पे, जी हाँ, इस फिल्म के गीत को कैसे भूल सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हिट हुए थे।
इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग सब्बीर कुमार साहब ने धर्मेंद्र साहब के लिए गाए थे और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने ही दिए थे और लिरिक्स अनजान साहब ने दिए थे। और ये गीत भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे पूरा उम्मीद है जान हथेली में फिल्म का टाइटल सॉन्ग आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए एक झलक इस गीत की तरफ। इस फिल्म के बाद 1987 में ही आई फिल्म इंसानियत के दुश्मन। जी हाँ, इस फिल्म में भी सब्बीर कुमार साहब और धर्मेंद्र साहब की जोड़ी ने एक बहुत ही खूबसूरत गीत दिए थे। गीत के बोल हैं, जुल्मों का नामो निशान ना होगा इस धरती पर। जी हाँ, ये गीत सब्बीर कुमार साहब ने अनु मलिक जी के संगीत में अपनी आवाज़ दिए थे और इस गीत को इंदिवर साहब ने लिखे थे और ये गीत भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुए थे। और इस फिल्म के बाद 1987 में ही आई फिल्म हुकूमत। इस फिल्म में सब्बीर कुमार साहब ने धर्मेंद्र साहब के लिए दो गीत गाए थे और दोनों गीत काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी हुए थे। और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिए थे और इन दोनों गीतों को वर्मा मलिक जी ने लिखे थे। जी हाँ, गीत के बोल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस अवसर का बाजा बजाओ और राम राम बोल, ये दोनों गीत सब्बीर कुमार साहब ने धर्मेंद्र साहब के लिए गाए थे और इस फिल्म के दोनों गीत काफी ज्यादा लोकप्रिय भी हुए थे। इस नगरी का मेरे दाता बजना जाए कहीं ढोल राम राम को। और इस फिल्म के बाद शहजादे, नफरत की आंधी जैसे फिल्मों में भी धर्मेंद्र साहब के लिए सब्बीर कुमार साहब ने अपनी आवाज दिए थे और बॉलीवुड को एक से एक हिट गीत दिए थे। इस फिल्म के बाद 1990 में आई फिल्म कानून की जंजीर। जी हाँ, इस फिल्म में गीत था गीत के बोल हैं, रोज रातों के पर्दे गिराकर। ये गीत काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे और इस गीत को भी सब्बीर कुमार साहब ने धर्मेंद्र साहब के लिए अपनी आवाज़ दिए थे और इस फिल्म का संगीत भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी ने ही दिए थे। और ये गीत भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे पूरा उम्मीद है ये गीत भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। रोज रातों के पर्दे गिरा कर। और 1990 में ही आई फिल्म हमसे न टकराना। इस फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत गीत सब्बीर कुमार साहब ने धर्मेंद्र साहब के लिए गाए थे। गीत के बोल हैं, माता तेरे दर पे आए सवाली। जी हाँ, ये गीत काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे और अक्सर नवरात्रि स्पेशल में ये गीत सुनने को मिलता है। और इस फिल्म का संगीत भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने ही दिए थे। माता तेरे दर पे आए सवाली, मुरादे पूरी कर दे, खाली झोली भर दे। इस फिल्म के बाद नाकाबंदी, वक्त का सिकंदर ये एक अनरिलीज फिल्म था। और इन फिल्मों के बाद 1993 में आई फिल्म कुंदन। इस फिल्म में भी सब्बीर कुमार साहब ने धर्मेंद्र साहब के लिए अपनी आवाज दिए थे। गीत के बोल हैं, गरेगा, ये वाला जो गीत था वो सब्बीर कुमार साहब ने धर्मेंद्र साहब के लिए गाए थे और इस फिल्म का म्यूजिक बप्पी लहरी जी ने दिए थे। और इस फिल्म के बाद 1995 में आई फिल्म पापी देवता। जी हाँ, इस फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत गीत सब्बीर कुमार साहब ने धर्मेंद्र साहब के लिए गाए थे और गीत के बोल हैं, झूम रहा है हाय मस्ती में। ये वाला जो गीत था वो सब्बीर कुमार साहब ने धर्मेंद्र साहब के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के ही संगीत में अपनी आवाज़ दिए थे और इस गीत का लिरिक्स भी आनंद बख्शी साहब ने ही दिए थे। तो आइए ये गीत सुन लेते हैं पापी देवता का सब्बीर कुमार साहब के दिल का आवाज में। घूम रही है हाय मस्ती में, ये कोई मस्तानी है। वैसे देखा जाए तो सब्बीर कुमार साहब ने धर्मेंद्र साहब के लिए टोटल 20 से भी ज़्यादा फिल्मों में अपनी आवाज़ दिए थे और बॉलीवुड को एक से एक हिट गीत दिए थे जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ, बहुत ही अच्छे अच्छे गीत सब्बीर कुमार साहब ने धर्मेंद्र साहब के लिए गाए थे। तो आज हम लोगों ने बात की बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक सब्बीर कुमार साहब और बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र साहब का। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं
तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वाचिंग करने के लिए। राम राम बोल, प्रभु इनकी आंखें खोल, अरे खोल खोल खोल।